बीजेपी ने बिहार में जातीय समीकरण सेट करते हुए चिराग पासवान को 5 सीट देने का फैसला कर लिया है। वहीं उनके चाचा पशुपति पारस को कोई भी सीट नहीं दी गई, बल्कि उन्हें राज्यपाल और उनके भतीजे प्रिंस राज को बिहार में मंत्रालय देने का प्रस्ताव रखा है। सीट बंटवारे पर फंसे पेज के बीच बुधवार को बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता मंगल पांडे की उपस्थिति में चिराग ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक की। इस बैठक में लोजपा चिराग गुट को हाजीपुर, वैशाली, जमुई, खंगड़िया और नवादा सीट देने पर सहमति बनी। वर्तमान में जमुई से चिराग सांसद हैं, जबकि हाजीपुर लोजपा प्रमुख और दिवंगत रामविलास पासवान की परंपरागत सीट मानी जाती है। बीते चुनाव में पासवान के भाई पशुपति सीट से जीते और बीते चुनाव में पासवान की जगह सीट से मंत्री बने। इस समय भाजपा की सहानुभूति चिराग तो जदयू के सहानुभूति पशुपति के साथ है। जदयू चिराग को किनारे करने की रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। दूसरी ओर भाजपा के रणनीतिकारों का मानना है कि राज्य में पासवान की स्वजातीय बिरादरी पशुपति की जगह चिराग के साथ खड़ी है। पार्टी ने कुशवाहा और जीतन राम मांझी को एक सीट देने का प्रस्ताव रखा है। जदयू सूत्रों का कहना है कि बीते विधानसभा चुनाव में पार्टी को चिराग ने व्यापक नुकसान पहुंचाया। जदयू की सीटों की संख्या कम करने के लिए 3 दर्जन सीटों पर ऐसे उम्मीदवार उतारे जिसके कारण जदयू को बड़ा नुकसान हुआ। अब भाजपा जहां चिराग को साधने की पक्षधर है, वहीं जदयू चिराग के मुकाबले उनके चाचा पशुपति पारस की चिंता कर रही है। चिराग को बैकफुट पर धकेलने के लिए जदयू ने उनके जमुई सीट पर दावा ठोका है। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में यह सीट बंटवारा कितना कारगर साबित होता है। क्या आने वाले वक्त में पशुपति पारस एनडीए के लिए कोई मुश्किल तो नहीं खड़ी करेंगे।